हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ ट्यूटोरियल और आज ट्वेल्थ क्लास में लेक्चर 72 है ये हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस उससे पहले एरिया फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया फंक्शन क्या होता है वी हैव डिफाइंड ए से लेकर बी एफ एक्स डी एफ एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एंड एक्स इक्वल And X -axis. जब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स मतलब क्या होता है A, X B, और X के बीच में जो रीजन आता है उसका एरिया होता है ठीक है हमने क्या किया ए से लेकर बी तक में कोई भी पॉइंट एक्स ले लिया लेट एक्स बी एनी पॉइंट इन ए बी देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन अगर हम ए से लेकर एक्स तक की कोई बात करें तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा एक्स का फंक्शन आएगा और हमें किससे डिनोट करेंगे ए ऑफ एक्स से विकॉल द फंक्शन ए ऑफ एक्स एज एरिया फंक्शन एंड इज गिवन बाय ए से लेकर एक्स कहां से लेकर कहां तक है लिमिट फ्रॉम ए से लेकर एक्स एफ एक्स डी एक्स ठीक है तो ये आपको एक तरह से समझाया गया है कि एरिया फंक्शन क्या होता है ये आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में यूज होगा और अब देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और फिर उसके बाद सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अब डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी कोई इंटरवल है ए से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल है और एफ फंक्शन क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है एंड लेट एक्स बी द एरिया फंक्शन एरिया फंक्शन का यूज होगा इस थ्योरा में इसीलिए पहले आपको डिफाइन करके बताया गया था कि इस एरिया फंक्शन का मतलब क्या होता है अगर कोई क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक है और उसमें पर्टिकुलर हम कोई पॉइंट उनके बीच में ले लें ए और बी के तो ए के लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस पॉइंट के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला सारा क्या माना जाएगा वो सारा शेडेड रीजन बनेगा और हम उसको किससे डिनोट करेंगे ए ऑफ एक्स से और इसका मतलब क्या होता है ये एरिया फंक्शन है ठीक है देन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है कि उस एरिया फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास फंक्शन ही आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी साफ सी बात है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है अगर इसका डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फंक्शन ही मिलेगा नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लेट एफ बी द दिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके और और किसको कैसे लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए देखिए ये क्या कह रहा है हमारी इस एक्सरसाइज में इसी फंडामेंटल थ्योरम का यूज है अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में और कैपिटल एफ उस फंक्शन का डेरिवेटिव है मतलब इंटीग्रेशन है ठीक है हमने फंक्शन का क्या किया इंटीग्रेशन निकाल दिया इसको क्या नाम दे दिया कैपिटल एफ एक्स अब जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी इसका भी तो कुछ यूज होगा इसका क्या यूज होगा कि पहले आपने अपर लिमिट रखनी है अपने आंसर में माइनस में फिर आपने क्या रखना है लोअर लिमिट रखना है और वो आपका क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले रिमार्क और हैं वो जरूर देख लीजिए रिमार्क्स देखिए दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ए सम हम फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल दो तरीकों से निकालते हैं एक तो अभी जो हमने पढ़ी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम एक लिमिट ऑफ ए सम से वो आपके पास लेंथी प्रोसेस पड़ता है लिमिट ऑफ सम का यूज करना और ये आपके पास मेथड क्या रहेगा कैलकुलेशन के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा आपने कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखिए स्टेप्स कैसे करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बेटा जब आप पे इंटीग्रेशन पे लिमिट दे रखे मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल है तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है फाइंड द इनडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स पहले तो सिंपली जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं वैसे निकालेंगे लेट दिस बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने क्या कह दिया कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया प्लस में सी हम करते हैं बट यहाँ पे ये यह क्या कहना चाह रहा है देर इज नो नीड टू कीप इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी बिकॉज क्यों अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है अगर हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया अब लिमिट्स हैं अब हम अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या होगा हमने फंक्शन फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया और अब हम अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे और उनको माइनस करेंगे अब एक्स की जगह बी रखे तो यही आएगा फिर एक्स की जगह ए रखिये तो यही आएगा आप देखेंगे तो c कैंसिल आउट हो जाता है क्या आ रहा है f ओफ b माइनस एफ ओफ ए ये तो डायरेक्ट भी आ जाता अगर हम c ना लेते तो अगर हम ये लिखते एफ ओफ एक्स ए बी तो क्या आता एफ ओफ बी माइनस एफ ओफ ए दर्बिटरी कॉन्स्टेंस दिस अपियर्स इन इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि जब हम इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर रहे हैं डेफिनेट निकाल रहे हैं तब आपके पास जो C है वो एलिमिनेट हो रहा है पहले तो आपने ये करना है क्या कि फंक्शन का आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल देना है बट साथ में C नहीं लेना है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेना है नेक्स्ट स्टेप इवेल्युएट आपने क्या निकालना है एफ ओफ बी माइनस एफ ओफ ए निकालना है और यही आपके पास पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रल की क्या आएगी अवेल्यू आएगी अब देखिए एक्सरसाइज 7.9 से रिलेटेड एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स देखिए बेटा एग्जाम्पल ट्वेंटी सेवन इवेलुएंग इंटीग्रल्स आपने इंटीग्रल की इवेलुएट वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम टू से थ्री एक्स स्क् डी एक्स तो फर्स्ट स्टेप क्या था पहले हम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं ये हमारे पास फंक्शन है इसका हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया हमें पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। पावर होती है एक एक्स्ट्रा हो जाती है नीचे नीचे भी से एक, एक एक्स्ट्रा होगी ये क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेशन फिर देर फोर बाय द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम वी गेट अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमने एक्स की जगह थ्री और एक्स की जगह टू अब इंटीग्रेशन यही था यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए पहले एक्स की जगह थ्री रख दीजिए और फिर एक्स की जगह टू रख दीजिए रिमेनिंग आपका कैलकुलेशन पार्ट है और ये आंसर आ गया ठीक है बेटा क्या करना है तो सिंपल ही है हमारे पास फंक्शन है फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और फिर इंटीग्रेशन वाले टर्म में आपने अपर लिमिट रखनी है और माइनस उसमें से करना है लोअर लिमिट सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम टू अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू सारे का होल स्क्वायर डीएक्स हमने आईज़ मान लिया इसको अब हमें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करें हमने डिनोमिनेटर वाले टर्म को थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू को क्या मान लिया टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया और हमने वैल्यू निकाल ली है रूट एक्स डी एक्स की बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ले गए अब इंटीग्रेशन करें वैल्यू रिप्लेस करी तो ये क्या आई माइनस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन वन बाय टी स्क्र डी टी वन टी का इंटीग्रेशन किया टी की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया यानी कि हम यहाँ तक अपना इंटीग्रेशन कर चुके हैं इंटीग्रेशन करने के बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब पहले एक्स की जगह इंटीग्रेशन में नाइन पुट करेंगे माइनस फिर एक्स की जगह फोर करेंगे इंटीग्रेशन में पुट देखिए कैलकुलेशन पार्ट क्या आएगा तो हमने इंटीग्रेशन आई निकालना था एफ नाइन इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट रखी लिमिट इनको क्या कर दिया माइनस कर दिया एक्स की जगह नाइन रखा तो क्या आएगा यहाँ पे थ्री की पावर थ्री कैसे आया देखिए एक्स की जगह हमने नाइन रखा नाइन की पावर थ्री बाय टू नाइन को क्या लग सकते हैं थ्री की पावर टू पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये आपके पास क्या बनेगा थ्री की पावर थ्री और ऐसे जब यहाँ पे फोर रखेंगे फोर की पावर थ्री बाय टू मतलब टू की पावर टू और उसकी भी पावर थ्री बाई टू पावर पावर की मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा आपके पास टू की पावर थ्री इनको सोल्व किया टेक इन एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट आवर आंसर ठीक है हम क्या कर रहे हैं हम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट देखिए कैसे होगा थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू x dx x प्लस वन एक्स प्लस टू पहले हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है इनडेफिनेट तो हम क्या करेंगे हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि हम इस इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व करेंगे ठीक है ब्रेक किया a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू से यहाँ पे एलसीएम लिया नीचे वाले टर्म कट जाएंगी और ये बचेगा आपके पास अब दोनों साइड जब एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर किया तो एक इक्वेशन आई दोनों साइड जब कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया तो ये इक्वेशन आई ये पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे हम करते थे बिल्कुल सेम वही चीज है दो इक्वेश को सोल्व किया ए की वैल्यू निकाली बी की वैल्यू निकाली और गिवन जो फंक्शन था जिसे हमने सोल्व करना था वहां पे एक की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी ऐसा हमने किया? क्यों किया क्योंकि इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता था बट अब जो टर्म बनी है इनका इंटीग्रेशन हमें आता है देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद किस तरह से हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हमारे इंटीग्रेशन के डेफिनेट वैल्यू पर पहुंचते हैं तो हम कर चुके थे इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके दो अलग अलग इंटीग्रेशन में अब वन अपन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन माइनस का साइन साथ में रहेगा प्लस में टू लॉग एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन हो गया है अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये आपने निकालना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट आपके पास क्या थी टू और लोअर लिमिट क्या थी वन तो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन निकालना है पहले एक्स की जगह टू रखेंगे माइनस लॉग थ्री रखेंगे टू लॉग फोर फिर वन रखेंगे माइनस लॉग और फिर वन रखेंगे टू लॉग थ्री ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज सेम सेम टर्म एक साथ रख ली अब हमें पता है लॉग एन कि, की पावर एम तो थ्री पावर में आ गया टू पावर में आ गया अब नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टीज लॉग एम प्लस लॉग एन किसके इक्वल होता है लॉग एम इंटू एन के ये ये लोग M log N था तो मल्टीप्लाई में हो गए, और डिवाइड में की टर्म चली गई क्योंकि ये क्या था आपके पास माइनस में अगर यहाँ पे माइनस में होता है तो हमारे पास लोग तो माइनस वाले टर्म डिवाइड में चली गई तो हमारा आंसर क्या आ गया है फोर और फोर की मल्टीप्लाई सिक्सटीन सिक्सटीन की टू से थर्टी टू थ्री की थ्री टाइम ट्वेंटी सेवन ये हमारा आंसर आ गया है अगेन हमने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन इस बार हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके किया इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट और हमें मिल रही है हमारे इंटीग्रेशन की एक डेफिनेट वैल्यू और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट फोर्थ पार्ट देखिए बेटा जीरो से पाई बाय फोर साइन क्यूब टू टी को हमने इसको आई मान लिया अब इंटीग्रेशन किया सबसे मेथड का यूज कर देते हैं क्योंकि हमें पता है साइन साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा तो हमने साइन टू टी को क्या मान लिया u साइन टू टी का डेरिवेटिव किया साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर टू टी का डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा डी यू बाई डी टी और डी टी की साइड हमने चेंज कर दी हमने वैल्यू निकाली कोस टू टी डी टी की वो क्या आई वन बाय टू डीयू वैल्यू रिप्लेस की वन बाई टू इंटीग्रेशन यू की पावर थ्री डी यू और इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन ठीक है u को t में चेंज करना ना भूलें अब हुआ है आपके पास कंप्लीट ये इंटीग्रेशन बट सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी हम t की जगह रखेंगे फाइव बाय फोर और फिर t की जगह रखेंगे जीरो देखिए क्या आएगा कैलकुलेशन में Therefore, by second fundamental theorem of ऑफ इंटीग्रल integration क्या आएगा एफ ऑफ इंटीग्रेशन में pi by फोर minus f ऑफ zero इंटीग्रेशन में हमने क्या रखा t की जगह रखा pi by फोर तो साथ में 2 भी है ये क्या बन गया pi by 2. और t की जगह क्या रखा zero अब हमें पता है sine 90 पे वैल्यू क्या होती है one रिमेनिंग क्या है eight माइनस में ये तो क्या बनेगा आपके पास zero और आंसर क्या आ गया one by eight ठीक है बेटा सिंपली ये क्या था आपके पास फंक्शन दिया हुआ था आपने मेथड का यूज़ करके उसका इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन करने के बाद का लगाया, A, कि limit limit कर दिया और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच गए होप कि बेटा आपको इस लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू